अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामईन, आज हमारा आप शो हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं, और जैसे कि मैंने 15 मिनट पहले डॉक्टर साहब बताया कि दिमाग हमारा क्या होता है, बेसिकली इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए। हमने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर भी शेयर किए अपने सामईन से ब्रेन के बारे में। सामईन, ऐड करती चलूँ कि 8 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है, और यकीनन बहुत सारी ऐसे मिथ्स और कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस इस वक्त मौजूद हैं जिसकी वजह से हम ट्यूमर का नाम सुनते ही हम घबरा जाते हैं और हमें पता लगता है कि पता नहीं बहुत ही कोई खौफनाक सी चीज़ है। इस पे ही हम मज़ीद आज हम बात करेंगे इस शो में। और सामीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजर हुसैन, MRCS FCPS एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइनल एंड न्यूरोसर्जरी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेन ट्यूमर्स क्या होते हैं, क्या वजूहत होती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट एक कन्फ्यूज उसमें आता है, यूजली जब ट्यूमर की बात होती है तो कहा जाता है कि जी मुझे ट्यूमर है, मुझे कैसे पता चलेगा क्या मुझे वाकई ट्यूमर है, क्या ये ब्रेन ट्यूमर है, ये कैसा है, क्यों, ये बहुत सारे सवाल आपने यकीनन सुने होंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये ब्रेन ट्यूमर के बारे में। मैं अच्छा, देखिए जब ब्रेन के इन जनरल ब्रेन के जब कोई भी प्रॉब्लम की बात होती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जी, और लोग बेस्ट पॉसिबल मेडिकल एडवाइस चाहते हैं, बिकॉज क्या बहुत मिसकंसेप्शन लोगों को लगता है कि ब्रेन का एक दफ़ा प्रॉब्लम किसी को हो गया तो फिर वो आपको फंक्शनल लाइफ नहीं अपनी गुजार सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मेडिकल साइंस ने और न्यूरोलॉजिकल साइंस ने इतना एडवांस हो गई है कि अब वो लोग जो हैं बहुत अच्छा और बहुत फंक्शनल स्टेटस अपना अचीव कर सकते हैं अगर उनको ट्यूमर हो भी। और सारे ट्यूमर्स, जब हम ट्यूमर्स का नाम लेते हैं तो लोगों को लगता है कि बस ट्यूमर का मतलब है कैंसर। अच्छा, मेडिकल, हमारे मेडिकल टर्म में ट्यूमर इज नॉट एवरी ट्यूमर इज कैंसर। अगर कैंसर की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि बस अब कैंसर हो गया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब इलाज नहीं हो सकता है, अब मरीज का तो बस इसके लिए दुआ करो, इसको अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारे यहाँ बल्कि जो मेडिकल फील्ड है उसमें ट्यूमर वो भी होता है जो कैंसर हो भी सकता है और वो भी है जो कैंसर नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले पता करना जरूरी है कि ये ट्यूमर कैंसरस है या कैंसरस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे हम अभी सेकंड सवाल पे जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले सिम्टम्स पे हम पहले बात करें, ठीक है, वजूहत, तो इस पे वजूहत पे बात करना थोड़ा मुश्किल है कि क्यों हो जाते हैं, इस पे भी बात कर लेंगे, अगर आप पहले ये बता दें कि वजूहत क्या होती है वैसे इन ट्यूमर्स की। जो न्यूरोलॉजिकल साइंस है ना, अभी वो डेवलपिंग साइंस है, ठीक है, तो उसमें हम जो जब हम एसोसिएशन देखते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये कॉज है तो इसका ये इफेक्ट है, उस कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो कन्फर्म्ड हैं, कुछ चीज़ें कन्फर्म नहीं है। ब्रेन ट्यूमर्स के लिए कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जिसपे हम कह सकें कि ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर किसी को इसमें एक्सपोजर हो गया है तो उसको ब्रेन ट्यूमर होगा ही होगा। इसमें मल्टी फैक्टोरियल है, इसमें एज भी एक रिस्क फैक्टर है, इसमें सेक्स भी एक रिस्क फैक्टर है, जेंडर जिसे कहते हैं, इसमें आपका रेडिएशन टू एक्सपोजर टू रेडिएशन आयनाइजिंग जिसमें एक्सरेज होते हैं, स्कैन होते हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। लोगों में एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो हम ये अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ऑल दो इस पर जो एविडेंस है वो बहुत कन्फ्लिक्टिंग है, बहुत वाजे नहीं है। देयर सम हु बिलीव दैट इट हैज एसोसिएशन, और कुछ लोग समझते हैं कि एसोसिएशन नहीं है, तो ये प्रूवन नहीं है। इस तरह जैसे पेस्टिसाइड्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, ये भी एक रिस्क फैक्टर होते हैं। फैमिलियल भी होते हैं, कुछ फैमिलीज में कुछ ट्यूमर्स रन करते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक
इश्यूज. तो ये एक ये काफी सारी चीजें हैं जिसमें एज भी है, जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, एक्सपोजर भी इन्वॉल्व है, रेडिएशन भी इन्वॉल्व है. तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन कोई एक सिंगल फैक्टर ऐसा नहीं इसमें हम कह सकें कि ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर आप खत्म कर दें तो आपको ब्रेन ट्यूमर होने का चांस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, आई गॉट इट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अच्छा आप सिम्टम्स की बात करते हैं, अगर आपको ट्यूमर है तो यूजली लोग समझते हैं कि यार हेडेक हो रहा है, पेन किलर खा लिया तो जी ठीक हो गया. तो ब्रेन ट्यूमर आपका अगर इंडिकेशंस कैसी होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं कि जिस पे हमें फ़ौरन किसी भी कंसल्टेंट को दिखाने की ज़रूरत है? अच्छा जी, देखिए इसके लिए एक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है. उससे पहले वो ये कि ब्रेन जो है ना वो एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को डायरेक्ट करता है कि हाथ ने क्या काम करना है, पैर ने क्या काम करना है, आपने क्या बोलना है, आपने कैसे देखना है. ये सब फंक्शन ब्रेन से होता है. तो ब्रेन में एक एरियाज फिक्स्ड हैं बॉडी के लिए, हाथ के लिए अलग एरिया है, पैर के लिए अलग एरिया है, आँखों के लिए अलग एरिया है. तो डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस लोकेशन पर है, उस हिसाब से सिम्टम्स होंगे. कुछ सिम्टम्स बहुत जनरल होते हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक होते हैं. जनरल सिम्टम्स जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हेडेक एक है, कि बहुत एक सर दर्द है जो चले जा रहा है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, हफ्ता दो हफ्ते तीन हफ्ते चार हफ्ते गुजर के ख़त्म ही नहीं होता है या बढ़ता जा रहा है. सुबह के टाइम पे ज़्यादा होता है अमूमन. साथ में कुछ लोगों को कुछ नज़र का प्रॉब्लम हो रहा है या उल्टी का कैफियत हो रही है, उल्टी आ नहीं लेकिन एहसास हो रहा है, जैसे मतली से कहते हैं वो नौजिया हो रहा है उनको, या उनको लगता है कि हम उतने एक्टिव नहीं हैं, तो लिथार्जी आ गई हमारे अंदर, तो या फिर हम इतने अच्छे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं. ये कुछ जनरल से फैक्टर्स होते हैं, अगर जनरल से सिम्टम्स होते हैं. स्पेसिफिक सिम्टम्स डिपेंड करता है कि जो ट्यूमर है वो किस लोकेशन पर है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो उस एरिया में जहाँ से मोटर कंट्रोल होता है, मतलब हाथ पैर की हरकत, तो वो हाथ पैर को अफेक्ट करेगा, तो वो मूवमेंट उस एरिया की रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी. अगर वो उस एरिया में इन्वॉल्व कर रहा है जहाँ पे बैलेंस कंट्रोल है, तो लोगों का बैलेंस या गेट जिसे कहते हैं चलना फिरना, वो बैलेंस सही नहीं रहेगा. अगर वो उस एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है जहाँ पे विजन कंट्रोल होता है नज़र से, वो विजुअल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, नज़र सही नहीं आएगा या कम नज़र आएगा या दो नज़र आएंगे. तो इस तरह मुख्तलिफ मेमोरी वाले एरिया को अफेक्ट कर रहा है, तो मेमोरी का इशू होना शुरू हो जाएगा. तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, डिपेंड करता है कि ट्यूमर ने किस पार्ट को इन्वॉल्व किया हुआ है, उस हिसाब से स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं. जनरल सिम्टम्स अमूमन हेडेक, नौसिया, वॉमिटिंग, लिथार्जी, ये कॉमन सिम्टम्स जनरल होते हैं. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि सिम्टम्स हैं, हम कंसल्टेंट या आप डॉक्टर के पास सर्जन के पास जाते हैं, तो ये कैंसरस है कि नहीं है, ये कैसे हम डायग्नोज करते हैं, क्या टेस्ट होते हैं, किस तरह फिर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे जैसे आपने खुद कहा कि लोग एक खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि यार दवाकी के ब्रेन में कोई चीज़ है तो उससे समथिंग रॉन्ग. वैसे ही हमें गुस्सा आ जाता, तो हम कह देते ना कि दवा खराब हो गया, तो लोग उससे दूर चले जाते हैं, तो अब ट्यूमर हो जाता है तो लोग फिर और ही. तो इस पर बताइएगा कि कैसे डायग्नोज, किस तरह किया जाता है कि इट्स कैंसरस और नॉट, तो इस पर प्लीज. मेडिकल साइंस में नॉट जस्ट न्यूरो सर्जरी, इन सर्जरी या मेडिकल साइंस इन जनरल, तो उसमें जब हम डायग्नोज करते हैं तो उसमें लोगों का बस फौरन ख्याल आता है कि आपने किसी सीटी स्कैन या एमआरआई की तरफ चले जाना है. ये ऐसा इस तरीके से है नहीं एक्चुअली. जब भी हम डायग्नोसिस करते हैं तो उसके लिए जो पहली चीज़ होती है जो आपने करनी होती है वो होती है हिस्ट्री टेकिंग. आप जितनी अच्छी हिस्ट्री लेंगे तो उतना आपको ज़्यादा क्लू मिलते हैं कि आपका पेशेंट को प्रॉब्लम किस लेवल का है. इसी तरह फिर आप एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की, तो आपका वो क्लू जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि इसमें ये पॉजिटिव्स हैं और ये नेगेटिव्स हैं. जो नेक्स्ट स्टेप है वो इमेजिंग होती है. मॉडर्न वर्ल्ड में जो इमेजिंग है जो आपको करनी चाहिए वो एमआरआई है, बिकॉज एमआरआई जो ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन देता है सीटी स्कैन के मुकाबले में, और आगे की जो प्लानिंग करनी होती है आपने उसमें भी एमआरआई हेल्प करता है. एमआरआई इज़ वन ऑफ द मोडालिटीज. एमआरआई के अलावा और ऑप्शंस भी हैं, और स्कैन्स भी होते हैं, सीटी स्कैन भी होता है, लेकिन अगर आपने स्क्रीन करना हो कि इसको ब्रेन में किसी पेशेंट को भी मेल और फीमेल इनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो स्क्रीन करने के लिए एमआरआई इज द इजीएस्ट एंड द सेफेस्ट मोडालिटी. अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी क्या कोई टाइप्स भी होती हैं कि लेवल जैसे स्टेजेस होती हैं, इसी तरह इसमें भी स्टेजेस होती हैं एमआरआई की? नहीं, ट्यूमर्स की. जैसे समझ में आ गया, हमें पता चल गया कि कैंसरस है, तो क्या उसकी स्टेजेस होती हैं फिर? राइट, अब ये एक ना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. जब ब्रेन के, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, बिकॉज जो ट्यूमर्स होते हैं वो
बॉडी के किसी भी हिस्से से निकल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, जो स्कल है, जो सर है हमारा, इसमें ब्रेन भी शामिल है और ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग्स होती हैं वो भी शामिल हैं. पता नहीं चलता कि तो नजर आप नहीं आता. तो उसके नजर आता है तो उसके लिए फिर आपको पता अच्छा चलता आप जी जी तो उसके लिए फिर आपको देखना होता है कि ये ब्रेन की कवरिंग वाला ट्यूमर है या ब्रेन के अपने टिश्यू से ट्यूमर निकल रहा है. तो उस हिसाब से उसकी जो आपने ग्रेडिंग बताई कि ये लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है, ये डिफरेंट हो जाता है. तो ब्रेन के जो अपने ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन के टिश्यू से निकलते हैं वो ग्रेड 1 to grade 4 होते हैं. ग्रेड 1 बीइंग द लीस्ट डेंजरस, ग्रेड 4 बीइंग द मोस्ट डेंजरस. इस तरह जो ट्यूमर्स जो ब्रेन के टिश्यू से तो नहीं निकलते हैं लेकिन ब्रेन की कवरिंग से निकलते हैं या ब्रेन की तरफ से जो नर्व्स निकल के जा रही होती हैं आंखों की तरफ, कानों की तरफ, उनसे निकलते हैं, वो डिफरेंट ग्रुप होता है. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जब हम स्टेजिंग भी होगी सब कुछ होगी, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? मैंने बहुत जगह ये भी पढ़ा कि जी ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी भी होता है, तो क्या सर्जरी किस लेवल पे करनी होती है हर हाल में? कब ऐसा पॉइंट होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते? इस पर थोड़ी और मजीद डिटेल. देखिए, हर दफ़ा आपको सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती. कुछ डायग्नोसिस आप रेडियोलॉजी यानी कि इमेजिंग के ऊपर कर सकते हैं, एमआर के ऊपर. कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं कि जो आपको पता है कि ये मैलिग्नेंट यानी कैंसरस ट्यूमर्स नहीं है, बेनाइन ट्यूमर्स हैं और स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं. स्लो ग्रोइंग मतलब है कि वो उनकी स्पीड इतनी स्लो है कि बाय द टाइम यू रीच 70, 80, 90 तब भी वो बहुत छोटे साइज के होंगे और वो कोई फंक्शनल डैमेज भी नहीं कर रहे हैं और उनका स्पीड भी ज्यादा नहीं, तो वो टिपिकली बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, मतलब कैंसरस नहीं होते हैं. उनके लिए कुछ करने की जरूरत ऑब्जर्वेशन के अलावा नहीं होती है. आप सीरियल स्कैन करते रहें साल साल के बाद एमआरआई, तो एक ऑप्शन ये है. अच्छा, कुछ ट्यूमर्स होते हैं कि जो कैंसरस हो सकते हैं, या अगर कैंसरस नहीं है तो कम से कम उनका साइज इतना बड़ा है कि वो ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं. बिकॉज ब्रेन जो है ना वो स्कल के अंदर है. स्कल इज अ बोन, इस बोन ये फिक्स बोन है. स्कल ना एक्सपैंड कर सकता है ना छोटा हो सकता है. अंदर कोई चीज आ जाती है एक्स्ट्रा तो वो ब्रेन पे प्रेशर क्रिएट करती है. तो प्रेशर क्रिएट करती है तो वो इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि आप सर्जरी करें. और अगर ब्रेन के अपने ट्यूमर्स हैं तो उस डायग्नोसिस करने के लिए कि ये ग्रेड 1 ट्यूमर है या ग्रेड 4 ट्यूमर है या सेकंड है थर्ड है, वो बायोप्सी के जरिए होता है, विच इज अ सर्जिकल प्रोसीजर. किसी भी कैंसरस ट्यूमर्स को उसकी स्टेजिंग के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी कि क्या स्टेज है. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बच्चों की बात करें कि ट्यूमर्स क्या बच्चों के अंदर भी देखे जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल. कुछ ट्यूमर्स हैं जो बच्चों के अंदर ही होते हैं ज्यादा. अच्छा. और कुछ ट्यूमर्स जो बड़ों के अंदर होते हैं. तो यस, बच्चों के अंदर भी ट्यूमर्स होते हैं जो कि बहुत खतरनाक नहीं हो, वो वाले भी होते हैं और वो भी होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं. तो यस, बच्चों की वैरायटी है. जी बिल्कुल. ठीक है सामीन, आप हमारा शो सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन. और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल भी कर सकते हैं 1111-000-105 पर. आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मंजर हुसैन. ही इज़ एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइनल एंड न्यूरो सर्जरी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल. और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में. यकीनन दिमाग से रिलेटेड और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उस पर भी मज़ीद थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे. तो सामीन, एक हमारे पास टाइम चेक भी है और एक कमर्शियल ब्रेक भी है. इस पर हम थोड़ी देर में कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर इसके बाद और भी इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी मैं पूछना चाहूँगी कि यूजली इस तरह होता है कि बोलने में भी एक डिफ़िकल्टी होती है, तो जैसे हम यूजली कहते हैं जी फॉलज उसका हो गया है, तो क्या ये भी कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन ट्यूमर की होती है? इस पर भी बताइएगा. एक कॉल भी ले लेते हैं, इनका सवाल भी ले लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो. पहले भी मैंने कॉल की थी जो जी जी सर से ये पूछ रहा है कि मैं, मेरी उम्र जो है 50 साल. ठीक है. ठीक है. अच्छा, जो मैंने पिछले डॉक्टर हमें ये तरह ये जो ट्यूमर की बात है, एक होता है सर्वाइकल पे जो बाजू पे गर्दन से उतर के नीचे बाजू से लेकर रीढ़ की हड्डी से लेके टांग तक चला जाता है. ठीक है. ठीक है, इसके बारे में आप जानना चाहेंगे? हाँ, तो जानना, डॉक्टर से जानना चाहते हैं कि दवाई भी कराई है मैंने इसलिए बहुत. अब ये है कि वो जो रीढ़ और की हड्डी होती है ना बीच में, उसमें दर्द भी रहता है और टांग सुन्न हो जाती है, बाजू सुन्न हो जाता है. अभी तो मैंने बहुत कोशिश की है, तो डॉक्टर साहब ये क्या करना चाहिए? ठीक है, इसका जवाब देते हैं डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, एक टाइम चेक है, टाइम चेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम दोनों सवालात के जवाब देंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस.
11:30 AM. इस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय टोटल रुपया खरीद कर माई मोबाइल टॉप अप और बजरिया कुरान दाजी मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर जीतने का मौका. क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर फालिज, दिल के दौरे, गुर्दों की मसाइल और बीनाई में कमी का भी सबब बन सकता है. हाई ब्लड प्रेशर को अपनी जिंदगी बर्बाद न करने दें. आहान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची में ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए हमारी बैन अलावी तरबियत याफ्ता डॉक्टर से मशवरा करें. रब्ता करें 021-111-911-911. अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में जो आप हर जुमे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं. सामीन आज हमारे साथ शो के इस घंटे में मौजूद हैं डॉक्टर मंजर हुसैन. ही इज़ अ स्पाइनल एंड न्यूरोसर्जन फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और आज हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करें. डॉक्टर साहब एक कॉलर का जवाब भी आप बता दीजिए और इससे पहले मैंने आप पूछा था कि अगर बोलने में अगर प्रॉब्लम हो स्पीक उस पर भी क्या एक हो सकता है इंडिकेशन. देखिए जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को डायरेक्ट करते हैं कि आपने उसको कंट्रोल करते हैं. जैसे एक पार्ट है जो हाथ पैर कंट्रोल कर रहा है, एक पार्ट है जो स्पीच को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जो आप बोलते हैं, बोलते हैं तो आप जबान से हैं लेकिन कंट्रोल वो ब्रेन से हो रहा होता है. अगर वो एरिया जो कंट्रोल कर रहा है आपकी बात बोलने के सिस्टम को, अगर वो एरिया अफेक्ट हो जाता है जिसका एक प्रेजेंट ट्यूमर भी हो सकता है तो फिर ये सिम्टम्स आ सकते हैं. तो यस, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ट्यूमर की वजह से स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है, तो जी हो सकता है. जी वालेकुम अस्सलाम. मुझे फजल काकड़ कहते हैं फ्रॉम क्वेटा सिटी. आपको और डॉक्टर साहब को आवाज की दुनिया में वेलकम बखैर अगलास और शो हमेशा की तरह माशाल्लाह जबरदस्त है. मैं ये पूछना चाहता हूँ स्पेशली जो है बीपी हाई होने पे तकरीबन वो जो है दिमाग को जो है डैमेज कर लेते हैं. मिसाल के तौर पर उसकी जो है रगे फट जाते हैं या खून निकल जाते हैं, मिसाल आंखों से या नाक से या मुंह से या कानों से. आए दोबारा जो है इसकी जो है कोई पहले सर्वाइकल वाला डील कर ले. अच्छा, जो मुझे थोड़ा समझ आया क्वेश्चन उनका, प्रॉब्लम ये कहना चाह रहे हैं कि उनको सर्वाइकल या नेक पेन है जिसकी वजह से उनका हाथ में भी सुन हो रहा है, पैर भी सुन हो रहा है. अच्छा, इसमें जब भी ये सुन वाली कैफियत होती है बॉडी में तो उसकी रीजन सिर्फ न्यूरोलॉजिकल नहीं होती है, मेटाबॉलिक होती है. मेटाबॉलिक का मतलब ये होता है हमारी मेडिकल टर्म में कि उसका जो कैल्शियम, वाइटमिन D3, B12 लेवल्स हैं वो भी अगर बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं उनकी वजह से भी नमनेस या सुनपन वाली कैफियत आ सकती है. तो आप ब्रॉडली इसको डिवाइड कर सकते हैं कि दो आर्म्स में एक आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि उसका मेटाबॉलिक पैरामीटर्स यानी कि ये कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12 नॉर्मल है कि नहीं, अगर ये कम होंगे तो ये नमनेस वाली चीज नहीं जाएगी. सेकंडली आप ये कर सकते हैं कि उसका इमेजिंग कर सकते हैं पेशेंट की कि उसके सर्वाइकल स्पाइन और जो बाकी स्पाइनल एक्सेस है, लंबर स्पाइन, कमर का नीचे वाला हिस्सा MRI करके देख सकते हैं कि इनका कोई नर्व प्रेस तो नहीं हो रही है. अच्छा, ज्यादातर लोगों में जिनमें नर्व प्रेस हो रही होती है और उनमें कोई वीकनेस नहीं आई होती तो वो मेडिकेशन से और रिहैब से यानी एक्सरसाइज से बेहतर हो जाते हैं 60-70% कम से कम इतने लोग. और 20-30% लोग होते हैं जिनको सर्जरी की तरफ जाने की जरूरत पड़ती है. तो मेजॉरिटी मेडिसिन से और ये चीजों से बेहतर हो सकती है. तो पहले लेकिन चेक करना जरूरी है कि पेशेंट के नमनेस का रीजन क्या है, क्या वो मेटाबॉलिक रीजन है यानी कोई विटामिन डेफिशिएंसी है कोई, या फिर उनका कोई नर्व प्रेशर वाला रीजन है. तो दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन ज्यादातर चीजें जो मेडिकली क्योरेबल होती हैं उसमें आप सर्जरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब एक और कॉल ले लेते हैं. जी सलाम अलैकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे?
हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? रेहान औरंगाबाद से। जी रेहान साहब, कोई सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मेरे वालदा को ब्रेन ट्यूमर था, उनका 3 साल पहले ऑपरेट हुआ। ठीक है। अब ऑपरेट तो 3 साल हो गए, लेकिन उनको मसला ये हो रहा है कि उनकी हाथ पैरों की ना नस बहुत खींचती है, यानी पट्टे खींचते बहुत ज्यादा। तो इसका क्या रीजन है, मतलब ये ब्रेन ट्यूमर की ही वजह से, यानी वो क्या फिर बढ़ रहा है? लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि ये बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू आपकी कॉल करने का रेहान जी। डॉक्टर साहब, पहले हम वो क्वेटा से जो कॉल थी, जो बीपी हाई की वजह से ब्रेन में प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में। अच्छा जी, बीपी हाई की वजह से जो टिपिकली ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें न्यूरो सर्जरी इन्वॉल्व हो सकती है, वो ये होती है ब्रेन में ब्लीडिंग होती है। अच्छा, हर ब्लीडिंग जो होती है वो सर्जिकली ट्रीटेबल नहीं होती है। अब बहुत सी ब्लीडिंग में सर्जरी की जरूरत भी नहीं होती है और बेनिफिट भी नहीं होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें वो ही रिजल्ट देता है जो सर्जिकल इंटरवेंशन देती है। कुछ ब्लीडिंग ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको पहले चेक करना होता है कि ब्लीडिंग का कॉज क्या है। उसके लिए जैसे हार्ट में एंजियोग्राम करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, इसी तरह से ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है। और उसके बाद पता आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कौन सी जगह से कौन सी आर्टरी जो है, जो खून की नाली है, वो फटी है, और क्या उसमें कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट या एंजियोग्राफिक ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं है। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, कुछ पेशेंट में ये होता है कि ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन कोई नस नहीं फटती है। तो उस ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से भी लोगों का जो ओरिएंटेशन है या जो जहन है वो नॉर्मल नहीं रहता है। तो उसकी वजह से भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और वो उनको फिट्स पड़ सकते हैं, सीजर्स कहते हैं, या वो ग्रूथी में जा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, सब चीजें हो सकती हैं। तो कुछ ब्रेन हैमरेजेस, अगर आप ये इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन ब्रेन हैमरेज के लिए है, तो कुछ जो ब्लीडिंग होती है दिमाग के अंदर वो उसके मरीज रिकवर कर सकता है 100%, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें मरीज बेहतर हो सकता है लेकिन हो सकता है वो नॉर्मल ना हो सके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, रेहान का भी सवाल था, उसका भी जवाब दीजिए। अच्छा जी, रेहान साहब का जो सवाल है, इसमें उन्होंने ये कहता है कि उनकी जो वालदा का सर्जरी हुई है तीन साल पहले, और उसमें ट्यूमर था, डॉक्टर साहब ने बताया था कि ट्यूमर कैंसर वाला नहीं है। अच्छा, इनकी टांगे खींचती हैं। अच्छा, टांगे खींचने की जिसमें जी, उसमें एक जो वजह हो सकती है वो जो जैसे मैंने पहले बताया था कि मेटाबॉलिक यानी कि कैल्शियम वाइटमिन D3 लेवल का इशू हो सकता है। दूसरा ये होता है कि अक्सर लोग जो है ना वो इतना वक्त के साथ साथ उठना बैठना उनका कम होता जाता है। उनको उठना बैठना कम होता है तो जो मसल्स है ना वो उनकी स्ट्रेचिंग जो होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अक्सर लोग जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का भी इशू होता है। उनको जिसमें वो कहते हैं पट्टे खींच रहे हैं, उसकी एक रीजन फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना भी है। तो अगर ये चाहें तो रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी का ट्रायल करके देखें, अगर उससे बेहतरी आ जाती है इनको। लेकिन रिहैब का ट्रायल 1-2 दिन का नहीं होता है, वो आपको 3-4 कुछ हफ्ते करना पड़ता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी है। फर्क पड़ता है तो ठीक है, नहीं है तो ये कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ फेसबुक के सवाल भी ऐड करते हैं कि उन्होंने, नूर है, उनका कहना था कि वेरी इंफॉर्मेटिव शो, माइग्रेन पे जरूर बात कीजिएगा, ये एक बहुत मेजर मसला है, उनको भी होता है, इस पर भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अच्छा एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? शहर भूपापति में बात कर रहा हूँ, रोजी खान भाई। जो है हमारे जोड़ों में बहुत दर्द है, दर्द छोड़ता नहीं है। ये डॉक्टर ने पूछा था जोड़ों में क्या करूं। जी जी ओके, जैसे जॉइंट्स हाथ और पैर में होते हैं, इसी किस्म के छोटे जॉइंट्स स्पाइन के अंदर भी होते हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक। तो जो ये जोड़ों का प्रॉब्लम है, ये स्पाइन के अंदर लोगों को आता है, कहते हैं हमें कमर में दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा, हम बैठ नहीं सकते, लेट जाए तो उठ नहीं सकते। तो वो इसमें से कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें आप रिमेटाइड जिसे कहते हैं वो एक चीज हो सकती है, यूरिक एसिड जिस तरह होता है वो एक वजह हो सकती है, इस तरह की कुछ और वजूहत होती हैं। तो आप टेस्ट अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करा के देख सकते हैं, एक चीज ये कर सकते हैं। एक चीज, एक और तरीकाकार ये है कि आप अपने किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या रिहैब स्पेशलिस्ट से मिलके और थोड़ी सी मेडिसिन ट्राई करके एक रिहैब का कोर्स कर लें 3-4 हफ्ते का। अब बहुत से लोग जो होते हैं जो ये मेडिसिन और रिहैब ट्राई करते हैं, उनका जोड़ों का दर्द बेहतर हो जाता है। अगर फिर भी बेहतर ना हो रहा हो तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये टेस्ट करा के उसमें स्पेसिफिक रीजन क्या है उसको उस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। थोड़ा सा जोर से बोलेगा, थोड़ा जोर से। तो
ठीक क्या सुनो बेटा क्या नहीं कौन सी साइड सुनो जाती है ठीक है अच्छा इनका वो भी बीपी और शुगर भी जी तो इनको पहले जो है बीपी और शुगर का ख्याल करना चाहिए उसके बाद अगर सेटल ना हो तो फिर किसी और तरफ सोचना चाहिए बिल्कुल हर सिम्टम को ही सुन होना और ये तमाम ट्यूमर्स नहीं हो सकते क्योंकि यकीनन बीपी और शुगर डॉक्टर साहब आपको पता है हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है और ऐसी खामोश बीमारी है जिसको हम बिल्कुल दरगुजर कर चुके हैं और अगर लोगों को पता भी चल जाता है तो फिर भी इग्नोर करते हैं उसको फॉलो नहीं करते बिल्कुल इग्नोर करते हैं इस रवैये पे मैं काफी परेशान होती हूँ लोगों के पता है कि शुगर है लेकिन फिर भी मीठा जरूर खाना है फिर पेशेंट्स वक्त आते हैं जब वो उनको कोई प्रॉब्लम हो जाता है ब्रेन हैमरेज हो जाता है या उनको कोई और चीज हो जाती है फिर वो रिग्रेट करते हैं कि हमने उस वक्त क्यों नहीं ख्याल किया जी सलाम अलैकुम कौन है हमारे साथ कॉल पे जी वसीम सर जी ठीक है तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपकी ऑप्टिक नर्व में ब्लॉकेज आया है ठीक है तो उसका कोई इलाज नहीं बताया उन्होंने ठीक अच्छा जी ऑप्टिक नर्व का ब्लॉकेज की वजह नहीं बताई अगर वजह पता चलेगी तो उसका फिर आप उस आपसे ट्रीटमेंट देख सकते हैं कि क्या है ब्लॉकेज जो है ये ऐसे ही जैसे एक नर्व या एक वायर पास हो रही है कहीं से और उस वायर के ऊपर आप पैर भी रख सकते हैं और आप ईंट भी रख सकते हैं तो आपको जब तक आपको स्पेसिफिक अगर आप ईंट का हटाने का तरीका अलग है और पैर को हटाने का तरीका एक अलग है तो जब तक आपको रीजन ना पता हो कि ऑप्टिक नर्व पे ब्लॉकेज का मतलब क्या है इसमें रीजन क्या है तब तक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज एक रीजन नहीं होता है एक से ज्यादा रीजन होते हैं इसलिए ठीक है अच्छा डॉक्टर हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे तो सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में भी आप बता रहे थे उस पे प्लीज बताइए अच्छा पिछले समझ लें 2-3 डेकेड से जो है ना काफी रेवोल्यूशन आ गया न्यूरोसर्जरी के अंदर और पुराने जमाने में न्यूरोसर्जरी में जो होता था कि आपके पास इमेजिंग नहीं होती थी एमआरआई नहीं होते थे आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते थे कि आपने किस लोकेशन पे सर्जरी करनी है तो सर्जरी का एक तो ड्यूरेशन ज्यादा होता था और उसमें मॉर्बिडिटी मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा होते थे तो ये पिछले समझ लें 3-4 डेकेड से जो है हमारे यहाँ भी ये रेवोल्यूशन आने के बाद अब आपके पास इमेजिंग चूंकि इतनी अच्छी अवेलेबल है तो आप प्लानिंग जो है बेहतर कर सकते हैं तो जितनी अच्छी प्लानिंग होती है उतना आपके रिजल्ट्स बेहतर होने का इम्कान बढ़ जाते हैं तो उसमें अब जो है बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड सर्जरीज भी आ गई हैं जिसमें आप प्लानिंग करते हैं और आप कंप्यूटर के असिस्टेंस के साथ आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे सर्जरी करते हैं जहां पे प्रॉब्लम होता है ताकि ब्रेन का हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है तो उस पार्ट को जो नॉर्मल है उस वो डैमेज ना हो और सिर्फ वही पार्ट आप इन्वॉल्व करें जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है इससे पेशेंट्स के रिजल्ट्स भी बेहतर हो जाते हैं डॉक्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और जो पेशेंट्स के साथ लोग आते हैं वो भी उनको पता चलता है कि भाई अब जो है तरक्की हो गई है काफी चीजें एडवांस हो गई हैं तो अब ये उतना इशू नहीं है जितना किसी जमाने में लोग बताते थे कि ब्रेन की सर्जरी करना है करे तो मरीज बचेगा नहीं ये हो जाएगा ये वो हो जाएगा अभी भी हो सकता है लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं परसेंटेज कम हो गए जी अस्सलाम वालेकुम कौन है मेरे साथ कॉल पे वालेकुम सलाम ज़ुबैदा अदीब नॉट नज़रवाद जी ज़ुबैदा बहुत लेट मिली कॉल जी आई एम सॉरी चलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम सलाम अच्छा डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि आजकल अक्सर लोगों को हम देख रहे हैं चाहे यंग हो या ओल्ड स्ट्रोक बहुत आ रहे हैं अच्छा क्या इसका इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी है या दवाएं भी इस्तेमाल की जाती है इवन मेरी एक स्टूडेंट है अभी तो खैर उसकी एज 28 है लेकिन ये जब 24 या 25 साल की थी डिलीवरी के दौरान ही उसको स्ट्रोक आया तो बेटी मेरी फिजियोथेरेपिस्ट भी है शी इज अ डॉक्टर इन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल उसने ट्रीटमेंट किया था तो प्लीज आप भी जरा थोड़ा समझा दें कि क्या इसके इलाज से फिजियोथेरेपी है दवाओं से बहुत शुक्रिया अच्छा जी स्ट्रोक के बारे में जवाब रेडियो पे जी जी शुक्रिया तो स्ट्रोक के बारे में पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्ट्रोक का इलाज मुश्किल है स्ट्रोक से बचना आसान है तो अगर आप अपना हो जाते हैं तो स्ट्रोक को प्रिवेंट करना
आसान है, लेकिन एक दफा स्ट्रोक हो जाए तो उसके बाद उसको हैंडल करना मुश्किल है। फिर डिपेंड ये करता है कि किस एरिया में स्ट्रोक हुआ है। जैसे मैंने बताया था शुरू में कि ब्रेन का हर पार्ट का एक अलग काम है, तो वो कुछ डैमेज इस तरीके का है कि जो हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता पेशेंट को कि मुझे कोई स्ट्रोक हुआ था, और कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे जैसे ही स्ट्रोक होता है तो पता चल जाता है। और ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड की एक चीज समझने की जरूरत है, जैसे हाथ में चोट लगती है हमारे स्किन खराब होती है तो कुछ अर्से बाद स्किन वापस आ जाती है, इस तरह के मसल डैमेज होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ रहती है। लेकिन ब्रेन के टिश्यू का प्रॉब्लम ये है कि एक दफा अगर वो डेड हो जाता है तो दोबारा ग्रो नहीं करता है, तो जो टिश्यू लॉस हो जाता है वो टिश्यू वापस नहीं आएगा। उसके आस पास के जो एरियाज हैं ब्रेन के, वो कोशिश करते हैं कि उस एरिया की जो इशू जो उसका काम था उसको कवर कर लें, लेकिन कभी कभी वो ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, कभी ज्यादा कामयाब नहीं होते हैं। तो एक दफा ट्यूमर अगर स्ट्रोक हो जाए तो उसके बाद आप मेडिसिन देने से उसको ठीक नहीं कर सकते, मेडिसिन देने से दोबारा स्ट्रोक होने को रोक सकते हैं और रिहैब यानी कि फिजियोथेरेपी के जरिए आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, सामीन कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, फालिज, दिल के दौरे, गुर्दों की मसाएं और बीनाई में कमी का भी सबब बन सकता है? हाई ब्लड प्रेशर को अपनी जिंदगी बर्बाद न करने दें। आहान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची में ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए हमारी बैनुल अक्वामी तरबियत याफ्ता डॉक्टर से मशवरा करें। राब्ता करें 02-1-111-911. अंबर आपकी होस्ट, आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजर हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइनल एंड न्यूरोसर्जरी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, और आज हम ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे ब्रेक में, जैसे आपने कहा कि सर्जरी के बाद कीमोथेरेपीज एंड उसकी क्या जरूरत पड़ती है, तो उस पर थोड़ा सा प्लीज मजीद डिटेल। अच्छा, ये समझ लें कि एक ना पूरी चेन है ये मरीज के डायग्नोसिस होने से लेकर एंड तक, और बिकॉज चेन है तो उसमें एक नहीं होता, चेन में ना कड़ियां होती हैं मतलब, तो उसमें सिर्फ एक एग्जैक्टली तो एक भी चीज निकाल दें तो पूरा चेन ब्रेक हो जाती है। उसमें सिर्फ न्यूरोसर्जन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें रेडियोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होता है, इसमें ऑनकोलॉजिस्ट जो ट्यूमर फिजिशियन होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, और जो रेडिएशन का डॉक्टर होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं आजकल के जमाने में, क्या मल्टीपल टीम्स स्पेशलिटीज वाले मिलकर डिसाइड करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इस पेशेंट में क्या होना चाहिए। तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल हम सर्जरी करते हैं और ब्रेन का ट्यूमर आता है, वो जो ब्रेन के अंदर होता है, और ग्रेड वन से ग्रेड फोर तक अमूमन ग्रेड वन टू वाले ट्यूमर जो होते हैं उनमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है, और आप उसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बाद में छः छः महीने या साल साल के ऊपर। लेकिन जो ग्रेड थ्री या ग्रेड फोर ट्यूमर होता है ब्रेन का, जिसे ग्लायोमास कहते हैं, तो वो जो ट्यूमर होते हैं उनमें अमूमन कीमोथेरेपी और रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। उसका मकसद ये होता है कि आप ट्यूमर को मैक्सिमम कंट्रोल कर सकें, और जितना अच्छा ट्यूमर कंट्रोल होगा उतना अच्छा पेशेंट का फंक्शन भी होगा, उतनी अच्छी उसकी जिंदगी की लॉन्जेविटी होगी, उतना उसकी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी लाइफ की। सर्टेन नंबर ऑफ कीमोस एंड थेरेपीज होती है इसमें या हमेशा करें? नहीं, इसमें इसमें कुछ फिक्स नंबर्स होता है रेडिएशन का भी और मेडिसिन जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं, वो फिक्स नंबर्स करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हमें फॉलोअप करना होता है तो जैसे हम पेट स्कैन या स्कैन्स वगैरह की बात करते हैं, तो एक ड्यूरेशन कितना हम रखते हैं फॉलोअप और उसके लिए? वो जो ऑनकोलॉजिस्ट होता है वो डिपेंडिंग अपॉन रिस्पांस कैसे होता है, टिपिकली हम ऑपरेशन अगर करते हैं तो सर्जरी के जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि सर्जरी के फौरन बाद आपको विद इन 2-3 डेज एक इमेजिंग करा लेनी चाहिए MRI, ताकि आपको पता चले कि ट्यूमर किस हद तक रिमूव हुआ है और किस हद तक बाकी है। कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे आप ट्यूमर 100% जो नजर आ रहा है रिमूव कर सकते हैं, और ब्रेन के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आप 100% रिमूव नहीं कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो पेशेंट को ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए आपको एक चेक मिल जाता है ऑपरेशन के बाद कि किस हद तक ट्यूमर का ये स्टैंडर्ड है रिमूव हो चुका है, फिर उसके हिसाब से फिर वो कीमोथेरेपी ट्रीट करते हैं। फिर आप 6 महीने या कीमोथेरेपी के एंड पे या रेडिएशन के एंड के ऊपर आप स्कैन करके देखते हैं, जब रेडिएशन खत्म हो जाती है कीमोथेरेपी, अब उसको आप फॉलोअप पे रखते हैं कि हम कितने
ऐसे छह छह महीने बाद साल साल बात करा के देखते रहते हैं तो फ्रीक्वेंट होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम अस्सलाम, अभी मैंने कॉल करी थी, वालदा का ऑपरेट हुआ था। जी जी, उनके जो है दर्रात रह गए थे, अब वो एक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कहा था 20% चांस है इनके पढ़ने के। अब उनकी आवाज में भी लड़खड़ाहट आ रही है और नजर भी उनकी कमजोर हो रही है, और उनकी जो एक टेबलेट चली है लूमार जो उनको छटके रोकने के लिए, क्या ये एंटीबायोटिक टेबलेट है, क्या ये कंटिन्यू चलाते रहना ठीक है? ठीक है। अच्छा, जो जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये 20% रह गए और वापस आने का चांस है, तो अगर इनको नए सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि उनको अब बातचीत में भी मुश्किल हो रही है और नजर में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर नए सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेहतर तरीकेकार ये है कि इमेजिंग के MRI करा के देख लिया जाए। MRI कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है इसको, ताकि पता चल सके कि इसमें ट्यूमर में कुछ चेंजेस आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और जो इन्होंने मेडिसिन का जिक्र किया है, मेडिसिन जो है वो इसलिए देते हैं कि पेशेंट को फिट्स या छटके ना लगें। कुछ हर दफा हमेशा के लिए जरूरी नहीं होता है मेडिसिन लेना, वो आपका डॉक्टर असेस करके फैसला कर सकता है कि कितना अर्सा लेना है और कितने अर्से बाद बंद, कुछ अर्से बाद बंद की जा सकती है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, हर पेशेंट के हिसाब से और किस कंप्लायंस के हिसाब से फैसला होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, माइग्रेन पे भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, कॉल ले रहे थे, अच्छा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, माइग्रेन एक बहुत एक ऐसा कॉमन मसला जो हमें हर दूसरे तीसरे बंदे में नजर आता है, इसकी क्या वजूहत होती है, माइग्रेन क्या होता है, क्या इसका इलाज वाकई मौजूद है या अपने वक्त पे ठीक हो जाता है, इस पे प्लीज बताइए। पहले तो ये है कि हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता, पहले तो ये समझने की जरूरत है। अच्छा, अक्सर लोग आ जाते हैं कि भाई हमारे सर में दर्द हो रहा है तो हर दर्द माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है तो माइग्रेन है, वॉमिटिंग हो रही है तो माइग्रेन है, तो हो सकता है वो माइग्रेन ना हो बल्कि किसी और, जैसे एक ट्यूमर एक वजह होती है इसकी अलामत हो। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ रीजंस बताई जाती हैं कि ब्रेन के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, ब्रेन के जो ब्लड फ्लो होता है उसके प्रॉब्लम उसकी वजह से भी होता है, उसके हिसाब से मुख्तलिफ रीजंस है, एक रीजन नहीं है, तो उसी रीजन को ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन दी जाती है। जी जी, कर सकता है बिल्कुल, एक से ज्यादा रीजन होती है, और जो पेशेंट होता है उसको टिपिकली पता होता है कि मैं क्या काम करता हूँ, कि ये होगा तो इसके बाद मुझे जो है ना ये एपिसोड आना शुरू हो जाता है, तो ये इस तरीके से बंदा बच भी सकता है उस चीज से। और उसी जो स्पेसिफिक कॉज होता है, जो आपको लगता है कि ये पॉसिबल चीज है, जगह आपका कोई ट्रिगर नहीं है, कुछ पेशेंट्स में आपको लगता है कि ट्रिगर कोई नहीं मिल रहा, वो कहता है मुझे तो ऐसी कोई चीज नहीं लगती कि जिसकी वजह से मुझे माइग्रेन होता हो, और वो एक्चुअली माइग्रेन है भी, तो उसके लिए फिर आप मेडिसिन मेडिकली ट्रीट करते हैं उसको, तो मेडिकल ट्रीट उसमें थोड़ा लंबा अर्सा देना पड़ता है उसको। सर दर्द जो है बेसिकली उसका आपका वो कर क्या रहा होता है, वो कर ये रहा होता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको खराब कर रहा होता है। क्वालिटी ऑफ, ये बैलेंस है क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस मेडिसिन, आपने देखना होता है कि आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी है या आपने मेडिसिन से जान छुड़ानी है, तो एक वक्त तक मेडिसिन लेनी पड़ती है उसमें। जी सलामत साहब, ये अपना डॉक्टर साहब से मुझे ये सवाल करना है कि जो मेरी घरवाली है उसके जो है ना अपना सर में दर्द जब होता है तो पूरी जो है ना बत्ती सी उसकी दर्द करती है, और जो है ना पटा सारे जिस्म में दर्द होता है। ठीक है, तो इसका जो है ना जवाब चाहिए मालूम है। बहुत सारे सर के मुख्तलिफ दर्द। जी जी, इसलिए हर दर्द माइग्रेन नहीं होता और हर दर्द ट्यूमर का दर्द भी नहीं होता है। जी, इसलिए ये लोगों को दवा बहुत क्लियर होना चाहिए कि दर्द की वजह से घबराना नहीं है बस। ठीक है। अच्छा, और दूसरी इसमें जो है, जो इन्होंने बात बताई कि उनको ऐसा दर्द होता है जो बत्तीसी की तरफ जाता है। अच्छा, इसमें इसकी इसका ताल्लुक इनके जबड़े से भी हो सकता है और इसका ताल्लुक इनके ब्रेन से भी हो सकता है। जबड़े से ताल्लुक है या ब्रेन से ताल्लुक है वो तो मरीज देख के पता चलता है आपको, उसके आप ऐसे बता नहीं सकते, लेकिन अगर जबड़े से ताल्लुक है तो एक डेंटल डॉक्टर सर्जन देख सकता है। ब्रेन से कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन से एक नर्व है जो निकलती है और आपके चेहरे की तरफ आती है, जबड़े की तरफ। अक्सर लोगों को लगता है कि हमें दाढ़ में या दांत में दर्द हो रहा है, वो नर्व का पेन हो रहा होता है, तो वो ब्रेन से वो नर्व निकल के वो करंट जैसा दर्द लोगों को होता है और वो क्योरेबल है, तो वो ठीक हो जाता है। वो भी कुछ लोगों में मेडिसिन से होता है बेहतर, कुछ लोगों में एक स्पेसिफिक एक रेडिएशन का तरीकेकार उससे हो जाता है खत्म, और जो है कुछ लोगों में सर्जरी से भी हो सकता है। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक हर चीज को थोड़ा सा एवेल्युएट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम थोड़ा हम बहुत जल्दी से कंक्लूजन पे आ जाते हैं। एक और कॉलेज है, सामने का कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो,
जी अलामत तो इसकी डॉक्टर से ज्यादा मरीज को पता होती है कि मुझे ये काम है, मैं ये करता हूँ, उसकी वजह से मेरा सर का दर्द, एक खास किस्म का दर्द आता है और वो इतना दर्द होता है कि मैं जो हूँ आराम नहीं कर सकता, नजर साफ नहीं आता, नजर मसला होना शुरू हो जाता है, मुझे नींद नहीं आती है, वॉमिटिंग सब नौजिया मतलब इसका एहसास होता है। तो ये कुछ तो होते हैं जिसमें कोई वजह होती है, और बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिसमें वजह नहीं होती। तो उसमें आपकी कुछ थ्योरीज हैं कि इस वजह से हो सकता है, उसके लिए फिर वो मेडिसिन दी जाती हैं। तो जिसमें आपको वजह पता है, आपको लगता है कि मैं ये काम करता हूँ या यहाँ जाता हूँ या ये चीज़ होती है तो उसकी वजह से मुझे ये दर्द आता है, तो अगर आप वो चीज़ उस जगह से या उस काम से बच सकते हैं तो आपका ये जो माइग्रेन वाला इशू है ये भी बेहतर हो सकता है। जहाँ पे कोई रीजन नहीं मिलता है तो वहाँ पे फिर आपको या किसी भी शख्स को डॉक्टर के पास जाके उसके इमेजिंग यानी कि एमआरआई करा के देखना चाहिए कि ये वाकई माइग्रेन वाला दर्द है भी या कोई और चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब चंद मिनट है हमारे पास मौजूद है, मैं इसको सम अप करना चाहती हूँ कि 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे बनाया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस पे थोड़ा सा प्लीज एज अ ब्रेन आपका सर्जन न्यूरोसर्जन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इस पर एज अवेयरनेस बता दीजिए कि हमें अपने होने वाली जो ब्रेन में इस तरह की चेंजेस को किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह बच सकते हैं, टाइमली इलाज करा सकते हैं उससे। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें परेशान होने की और ये घबराने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की तरह तो नहीं है ना? ये बोला नहीं है घबराना, ठीक है, आप एक्चुअली नहीं घबराना। अच्छा, इसमें ये इसका मैं एक और आपको बात बता देता हूँ, उससे शायद समझ में थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब शुरू में स्पाइन सर्जरी शुरू हुई थी तो लोग कराते थे और ज्यादा एडवांस नहीं था तो लोग परेशान हो जाते थे सर्जरी में, और लोग कहते हैं मैं फालिज हो गया और ये सर्जरी नहीं करानी। हालांकि वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी है स्पाइन सर्जरी, आप जो आप डिस्क की सर्जरी करते हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज होने में वक्त लगता है, ये भी अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोगों को एजुकेट करते रहें और उनके जो मिसकंसेप्शन है उसको कम करें ताकि उनको जो एक्चुअल पिक्चर पता चल सके। अब ये होता है कि लोग आते हैं स्पाइन सर्जरी के लिए और उनको आप समझाते हैं तो लोग ऐसा मान जाते हैं। पहले तो उनको समझाना ही मसला होता था कि वो तैयार ही नहीं होते थे। ब्रेन के हवाले से भी यही चीज़ है कि बिकॉज ब्रेन को हमने ज़्यादा मिस्टीरियस सा बना के रखा हुआ है कि जो ब्रेन है वो हायरार्की में टॉप पर है। वही चीज ट्रांसलेट होती है लोगों के अंदर आके और लोग फिर उसको समझते हैं कि भाई ये हो गया तो किसी को बताना नहीं है या कोई ये नहीं होगा या खानदान में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो अवेयरनेस जितनी आएगी उतना फायदा होगा। हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं होता और हर सर का दर्द ब्रेन ट्यूमर का नहीं होता है और हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है और हर कैंसर जानलेवा नहीं होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये तीन जो पॉइंट आखिर के आपने बताए ना, इसको जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप मेरे शो में आखिर में एक बात के रेडियो पर आए, कैसा लगा आपको शो पे आके? रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहिए? जी लोग वैसे तो कहते हैं कि मास मीडिया है, टीवी है, लेकिन अगर आप ज्यादा लोगों को देखेंगे जो गाड़ियों में जा रहे होते हैं और जो 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 अपने जिनको थोड़ा टाइम मिलता है उनके लिए प्रॉब्ली मास मीडिया जो है ना वो मेरे ख्याल में रेडियो जो है ज्यादा है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लोगों का आप लोगों की वजह से और बिकॉज ये इंफोटेनमेंट ज्यादा हो गया, अब ये इंफॉर्मेशन भी आ गई है, एंटरटेनमेंट भी आ गई है, तो लोग जो है ना इसको दोनों चीजों के लिए उनको छोटे टाइम पे वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनको आते जाते हैं इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, इसको हम दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और सामीन, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का जो मेरा शो फेसबुक पे भी देखते हैं, वहाँ मैसेज भेजते हैं और यकीनन आप हमें कॉल भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके शो में आपके कॉल सामीन कॉल करें और स्पेशली डॉक्टर से अपना सवाल कर सकें। और यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, हमारा मेन मकसद भी यही है कि हम यहाँ बैठ कर इंटीरियर और वो तमाम लोग जिन तक डॉक्टर की पहुँच समटाइम नहीं होती, हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मुल्क
उन तमाम लोगों तक डॉक्टर फैसिलिटीज हम हॉस्पिटल की नहीं पहुँचा पाते और बहुत सारे सवालात के जवाब जो उनके जहन में होते हैं वो आप लोग यहाँ आके देते हैं और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन अपनी सेहत का ख्याल रखिए और स्पेशली COVID-19 से पूरी दुनिया इस वक्त पेंडेमिक से लड़ रही है, SOPs को मेनटेन कीजिए और जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा सकते हैं वो ज़रूर लगाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए डॉक्टर्स और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। Yes, I'll be following you.